हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ यूपी बोर्ड की पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायर, जिसके राइटर हैं रैल्फ वाल्डो इमर्सन, जो एक अमेरिकन पोएट हैं के साथ साथ अमेरिकन पोएट राइटर और एक मॉरलिस्ट भी हैं। इन्होंने इनकी जो राइटिंग्स थी 12 वॉल्यूम्स में है, ठीक है, 12 संस्करण में है। तो आइए जानते हैं द माउंटेन एंड द स्क्वायर। माउंटेन का मतलब जानते हैं पर्वत या पहाड़, और स्क्वायर में होता है गिलहरी। तो ये जो कहानी है वह पर्वत और गिलहरी के बीच में है। वन इसको आगे लेसन में वन देखिए यहाँ दिया हुआ, वन से भी रिप्लाई किया गया, वन से भी इंडिकेट किया गया है, और वन का मतलब होता है गिलहरी। तो ये जो कहानी है, सॉरी ये जो कविता है, पोयम है, यह उन सारी चीज़ों को लेके है। और इस पोयम के माध्यम से रैल्फ वाल्डो इमर्सन ये हमें बताना चाहते हैं कि नेचर ने, प्रकृति ने, या भगवान ने जो भी चीज़ों का, जिन भी चीज़ों का क्रिएशन किया है, उन सभी का अपनी अपनी जगह पर अपना महत्व है। कोई ऐसा नहीं है जो तुच्छ है, बेकार है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सारी चीज़ों का अस्तित्व है। सभी चीज़ों को भगवान ने क्या किया हुआ, वेल मेंटेन्ड, ठीक है ना, वेल बैलेंस्ड किया हुआ है सभी को, ठीक है। चाहे वो कोई बहुत छोटी प्राणी हो या फिर बहुत बड़ा प्राणी हो, उन सभी चीज़ों का भगवान ने क्या किया है, एक वेल अरेंज्ड किया है, अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आइए इस कहानी, इस पोएम को, इस कविता को हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि कैसे माउंटेन जो वन है, स्क्वायरल है, उसको एक लिटिल प्रिग या तुच्छ प्राणी कहता है, उसे कैसे घमंडी कहता है, और अपनी आप को कैसे उसके सामने एक बड़ा महान एक्सप्रेस करता है, और कैसे उसको एक तुच्छ समझता है। तो आइए इस पे भी और इसकी इन सारी बातों पे जो लिटिल स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, वह कैसे रिप्लाई देती है, तो इन सारी चीज़ों को आइए हम इस पोएम के माध्यम से जानते हैं। तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल है पोएम का नाम, जिसके राइटर रैल्फ वाल्डो इमर्सन है। आइए पोएम की फर्स्ट स्टेंजा को जानने की कोशिश करते हैं। द फाउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल, ठीक है, गिलहरी और पर्वत के बीच आपस में क्या हुआ, एक क्वेरल हुआ, एक वार्तालाप हुई, बातचीत हुआ, झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लिटिल ट्री, फार्मर का मतलब होता है कि द फर्स्ट, मतलब पहले वाले ने दूसरे वाले को, अर्थात माउंटेन ने स्क्वायरल को क्या क्या, एक लिटिल प्रिग कहा, अर्थात एक तुच्छ प्राणी कहा। प्रिग का मतलब लिटिल मीन्स होता है छोटा, और प्रिग का मतलब अगर सेपरेट समझने की कोशिश करें तो मतलब घमंडी होता है, और यहाँ पे लिटिल प्रिग का मतलब ये समझेंगे इस पोएम के माध्यम से एक तुच्छ प्राणी, ठीक है, कैसे छोटा तुच्छ प्राणी कहता है। अर्थात ये जो द फाउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, ठीक है, यह माउंटेन अर्थात पर्वत या फिर कह रहे पहाड़ और गिलहरी के बीच में एक वार्तालाप हुई, एक झगड़ा हुआ, जिसमें जो फार्मर है, फार्मर अर्थात माउंटेन जो है, वह गिलहरी को बाद लेटर मिस होता है बाद में, अर्थात बाद वाले को, मतलब ये स्क्वायरल को, वन को क्या कहता है, एक तुच्छ प्राणी कहता है। फिर इस बात पे वन रिप्लाई करती है, आइए दो स्टेज नंबर टू में देखते हैं। कह रहा है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, वन रिप्लाई करती है उसका माउंटेन के द्वारा, वन को लिटिल प्री कहने पर, तुच्छ प्राणी कहने पर वन रिप्लाई करती है, गिलहरी उसको जवाब देती है कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर। कह रहा कि किंतु शॉर्ट्स में होता है कांड प्रकार, कह रहा है कि किंतु सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, मौसम, ठीक है, मस्ट बी मिस होता है होना, ठीक है ना, टेकन इन टूगेदर, उन सभी को अगर एक साथ लिया जाए तो क्या होता है, टू मेक अप अ ईयर, अर्थात सभी प्रकार की वस्तुएं, मौसम, ये एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, एक वर्ष बनाते हैं। एंड स्पेयर एंड स्पेयर, यहाँ पे स्पेयर का मतलब है यूनिवर्स या वर्ल्ड,
ठीक है, यूनिवर्स या वर्ल्ड मतलब संसार या फिर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। कह रहा है हिलेरी उसको रिप्लाई दे रही है कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, लेकिन तू सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं चाहे वो छोटी हो बड़ी हो और मौसम, ये सभी एक साथ मिल करके या ये सभी को एक साथ रख करके क्या बनता है, एक साल बनता है, मेकअमिस होता है बनना, एक साल बनता है और एंड स्फीयर और एक संसार की ब्रह्मांड की क्या होती है रचना होती है, अर्थात सभी प्रकार की वस्तुएं मौसम इन सभी को मिला करके एक संसार की रचना होती है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस और डिस्ग्रेस का मतलब होता है शेमफुल, शेमफुल का मतलब क्या शर्मनाक, और कह रहे कि एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस आई इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। कह रही है आगे गिलरी इसको रिप्लाई कर रही है कि एंड आई थिंक और मैं सोचती हूँ कि इसमें और कि जो मुझे स्थान प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, जो मैंने स्थान लिया हुआ है धरती पे, जो मुझे स्थान मिला हुआ है वह कोई शर्मनाक की बात नहीं है, उस वह किसी प्रकार की डिस्ग्रे वाली शेमफुल वाली बात नहीं है, शर्मनाक बात नहीं है। कह रहे कि आगे इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कह रही है कि यदि मैं सो मिस इतना और एज मिस जितना, ठीक है इतना सो मिस इतना या फिर उतना और सो मिस जितना, ठीक है सॉरी एज मिस और उतना सॉरी जितना, कह रही है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, हाँ मैं इस बात को भी मानती हूँ कि मैं यदि मैं तुम्हारे जैसे बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे इतना या फिर मेरे उतना क्या हो छोटे नहीं हो, ठीक है। ये क्या कर रही है बन जो है गिलहरी जो है वह रिप्लाई कर रही है, अपनी जवाब दे रही है जब माउंटेन उसको नेटिव प्री कह दिया था। आइए स्टेजा नंबर थर्ड को देखते हैं, कह रहा है कि यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, अगर मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरे इतना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, स्प्राइट का मतलब यहाँ पे बाबू एस पी आर वाई, स्प्राइट का मतलब होता है एक्टिव या इनर्जेटिक, एनर्जेटिक और इन दोनों का मतलब अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो फुर्तीला, देखिए वैसे फुर्तीला, ठीक है। तो गिलहरी कह रही है कि ठीक है मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे इतना छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, ठीक, और मेरे इतना मेरे आधा भी तुम क्या हो एक्टिव नहीं हो, एनर्जेटिक नहीं हो, फुर्तीला नहीं हो जैसे कि मैं हूँ। आप सिंपल से अगर एक सिंपल साधारण भाषा में अगर इस शब्द और इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत फैट वाला इंसान हो और एक ऐसा इंसान जिसमें फैट नहीं हो, ठीक, उन दोनों को अगर रन कराया जाए या फिर उनसे कुछ ऐसा वर्क कराया जाए तो आपको ये मिलेगा, समझिए उन दोनों को दौड़ा दीजिए एक साथ, तो जो जिसके अंदर फैट कम है वो इंसान क्या होगा उस फैट वाले इंसान से अधिक आगे दौड़ सकता है, अर्थात या दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक कमजोर पर्सन को ले लीजिए और एक स्ट्रांग पर्सन को ले लीजिए, तो जो स्ट्रांग पर्सन होगा वह कभी भी क्या होगा वीक वाले पर्सन से कमजोर पर्सन से हमेशा आगे ही रहेगा। फाइन, यहाँ पे स्ट्रांग या फिर वीक कहने का मतलब है कि कुछ एक्टिविटियाँ को लेके, न कि मतलब फिजिकली चीज़ों को लेकर के, जैसे शारीरिक रूप से कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब शारीरिक रूप की बात करें तो माउंटेन का जो आकार है उसकी जो बनावट है वो बहुत बड़ा है और गिलहरी उसके सामने बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, आप समझ सकते हैं कहाँ एक माउंटेन और कहाँ एक स्क्वायर, ठीक है। तो आगे कह रही है गिलहरी कि आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायर ट्रैक, डेनाई का मतलब नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट डेनाई, डेनाई का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, लेकिन नॉट डेनाई का मतलब क्या होता है कि एडमिट कर लेना, मतलब स्वीकार लेना। अगर नॉट डेनाई की बात करें तो इसका मतलब होता है एडमिट, एडमिट, ठीक है, एडमिट, एडमिट का मतलब क्या होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। तो कह रही मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करती हूँ या मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि तुमने एक छोटी सी गिलहरी के लिए या फिर एक गिलहरी के लिए एक वेरी प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, बहुत अच्छा, एक सुंदर
ट्रैक मिस होता है, वे एक सुंदर मार्ग बनाया है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि तुमने एक बन के लिए स्क्वायरल के लिए बहुत सुंदर क्या किया, रास्ता बनाया है, वे बनाया है। आइए इस पोएम की लास्ट स्टेंजा को देखते हैं, स्टेंजा नंबर 4। अगर हम स्टेंजा नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे है, कह रहा है कि टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स का मतलब होता है एबिलिटी क्वालिटी। अगर हम टैलेंट्स की बात करें, टैलेंट्स तो इसका मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी या कह सकते हैं क्वालिटी। यहाँ तक आ रहा नीचे, ठीक है, क्वालिटी। ओके गाइस, तो टैलेंट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी या फिर क्वालिटी, योग्यता या विशेषता। तो कह रहा है टैलेंट्स डिफर, फिर इस पोएम में आगे ये हमें पता चल रहा है कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट या फिर कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। कह रही है कि आगे पोएट ये बताना चाहते हैं इस पोएम के इन पंक्तियों से कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सबके पास क्या है, अपनी योग्यताएं हैं, अपनी क्वालिटियां हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, वो यूनिक हैं। फिर आगे कह रहे हैं ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनको प्रकृति के द्वारा क्या किया गया है, एक संतुलित रूप में, एक बैलेंस्ड फॉर्म में क्या किया गया है, उन्हें उनका अरेंजमेंट किया गया, उनके व्यवस्था किया गया है, ठीक है। इफ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, आगे की लहरी क्या रही है कि यदि मैं जंगल को अपने पीठ पर, बैक का मतलब है पीठ पर, अगर यदि मैं अपने यदि जंगल को अपने पीठ पर नहीं उगा सकती हूँ या फिर नहीं रख सकती हूँ तो तुम भी नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक छोटे से, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक कर देना, और नट का मतलब और नीदर मिस होता है और ना ही, ठीक है। और तो और तुम क्या कर सकते हो, एक छोटे से एक नट, नट को, अखरोट को तुम भी क्या कर सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, फाइन। तो इस पोएम के माध्यम से हमें ये समझ में आया कि हमें किसी को तुच्छ नहीं कहना चाहिए, सबका अपना अपना एक इस प्रकृति में, सबके पास अपनी अपनी क्या है, क्वालिटियाँ हैं, ठीक है, टैलेंट्स हैं, एबिलिटियाँ हैं। हमें किसी को जज करके इतना इजीली जज नहीं कर लेना चाहिए कि मैं उसे टैलेंटेड हूँ, वो बहुत वीक है, या फिर किसी को भी हमें डेमोलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी को किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो हमें किसी का पैर भी पीछे नहीं खींचना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी को हम बुरा ना साबित कर पाए, किसी को हम तुच्छ ना समझें या फिर ना उसे फील होने दें कि मैं तुम्हें तुच्छ समझ रहा हूँ। तो इन सारी बातों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि इस क्रिएशन में भगवान का जो ये क्रिएशन है, भगवान के द्वारा जो इस वर्ल्ड का, यूनिवर्स का जो क्रिएशन किया गया है, निर्माण किया गया, सबकी एक डिस्टिंक्ट क्वालिटियाँ हैं, एक निश्चित आकार है, सबकी एक निश्चित शेप है, सारी चीज़ें भगवान ने एक वेल अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, न किसी को डेमोलाइज करना चाहिए, इन बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबके पास यूनिक क्वालिटी है, सब यहाँ बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, फाइन। आपके घर में चाहे वो छोटा बच्चा हो, आपका छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई हो, या फिर कहीं रोड पे चलते मिल जाए समाज में, सोसाइटी में, तो हमें भी किसी भी इंसान को इतना जल्दी परख नहीं लेना चाहिए और उस पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कि तुम ये को नहीं कर पाओगे, तुम बहुत तुच्छ हो, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमें कुछ उसे एडवाइस करें सो दैट वह अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके। आई होप ये पोएम आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और बैठ के कुछ वर्ड्स मीनिंग है इस पोएम में तो उसे बैठ के वीडियो पॉज कर करके राइट कर लें, नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, कोरोना से भी हमें बचना, क्योंकि हम जब जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी पढ़ाई करेंगे या फिर कोई भी काम करेंगे, फाइन। तो इस बात पे भी विशेष ध्यान रहे, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, गवर्नमेंट जो कह रही है वो हमारे भले के लिए कह रही है, हमारे वेलफेयर के लिए कह रही है, तो इस बातों पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। थैंक्स टू वॉचिंग विद मी, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।